नमस्कार, माइंड फिट चैनल में आपका स्वागत है। अगर आप बर्तन धोने जैसे नियमित काम को करते हुए भी अपनी सांस पर ध्यान दे सकते हैं तो समझिए कि आपने जीवन के सार को पा लिया। ऐसा कहना था वियतनामी बौद्ध भिक्षु थिच नाथ हन का, जिनका 95 वर्ष की आयु में देहांत हो गया। पश्चिम में माइंडफुलनेस की अवधारणा को लोकप्रिय बनाना उनका दुनिया को सबसे बड़ा योगदान कहा जाएगा। उन्होंने करीब 130 किताबें लिखी जिनकी दुनिया भर में करोड़ों प्रतियां बिक चुकी हैं। आज इस विलक्षण व्यक्तित्व को याद करते हुए आपके लिए उनकी 30 सूक्तियां दे रहा हूं। इन्हें सुनकर आप निश्चय ही अपने मन में प्रेम और शांति को उतरता महसूस करेंगे, क्योंकि इन्हीं दो चीजों के प्रचार में थिच नाथ हन ने अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। 1, चलते हो तो ऐसे चलो कि जैसे तुम अपने पैरों से पृथ्वी को चूम रहे हो। 2, चीजों को जाने देना, उन्हें पकड़कर न बैठे रहना हमें आजादी देता है, और खुश रहने के लिए सबसे जरूरी आजादी ही है। अगर हम अपने दिल में किसी भी चीज, गुस्सा, घबराहट, निराशा को पकड़े रहते हैं तो हम आजाद नहीं हो सकते। 3, चूंकि तुम अभी जीवित हो इसलिए कुछ भी संभव है। 4, भावनाएं हवादार आकाश में बादलों की तरह आती जाती हैं, बोधपूर्ण होकर सांस लेना ही मेरा सहारा है। 5, बहुत लोगों को लगता है कि उत्तेजना ही खुशी है, लेकिन जब आप उत्तेजित होते हैं तब शांत नहीं होते। सच्चा आनंद शांत होने में है। 6, सांस लेते हुए मैं शरीर और मन को शांत करता हूँ, सांस छोड़ते हुए मैं मौजूदा क्षण में बने रहते हुए मुस्कुराता हूँ। मैं जानता हूँ कि यही इकलौता क्षण रहता है मेरे पास। 7, अगर तुम किसी से प्रेम करते हो पर उसके साथ समय नहीं गुजारते तो यह सच्चा प्रेम नहीं है। 8, मेरे कर्म ही मेरी सच्ची संपत्ति है। 9, अगर हम चाहते हैं कि चीजें हमारे सामने खुलें तो हमें उनके बारे में अपने विचारों को त्यागना होगा। 10, हमारा अपना जीवन ही हमारा संदेश होना चाहिए। 11, वर्तमान क्षण हमेशा ही खुशियों और आनंद से भरा होता है। अगर आप सजग और सतर्क हैं तो आप जरूर महसूस करेंगे। 12, अपने शरीर को स्वस्थ बनाए रखना पूरे ब्रह्मांड, पेड़ों, बादलों, हर चीज के प्रति हमारी कृतज्ञता की अभिव्यक्ति है। 13, समझने का अर्थ है अपने ज्ञान से मुक्त होना। 14, जब आप यह देख पाओ कि आपके दुश्मन को भी दर्द हो रहा है तब माना जाएगा कि आप में अंतर्दृष्टि जन्म ले चुकी है। 15, अनस्थिरता का शुक्रिया कि दुनिया में सब कुछ संभव है। 16, सच्चे प्रेम में आप मुक्त हो जाते हो। 17, अगर हम शांत हैं, अगर हम आनंद से भरे हैं तो हम एक फूल की तरह मुस्कुराते हुए खिल सकते हैं, और हमारी शांति से हमारे परिवार समेत पूरे समाज को लाभ मिल सकता है। 18, यह एक तथ्य है कि जब आप दूसरे को सताओगे तो वह आपको और ज़्यादा सताने की कोशिश करेगा, क्योंकि इसी तरह उसे राहत मिलेगी। नतीजतन दोनों पक्षों की तकलीफें बढ़ेंगी। 19, जब आप किसी से प्रेम करते हो तो आपको उसे अपनी सबसे अच्छी चीज़ देनी होती है। हम किसी को सबसे अच्छी चीज के रूप में अपनी संपूर्ण उपस्थिति ही दे सकते हैं। 20,
दूसरों की पीड़ा से अवगत रहें, उसे देखें, महसूस करें और सुनें। 21. निराशा या उम्मीद के रूप में चीजों को देखने से बात नहीं बनती। असली चुनौती वास्तविकता को देखने की है, चीजें जैसी हैं उन्हें हूबहू वैसा ही देखने की। 22. कहा तो यह जाता है कि ईश्वर ने अपनी छवि के रूप में इंसान को बनाया है, लेकिन असल में ऐसा भी हो सकता है कि इंसान ने अपनी छवि के रूप में ईश्वर को बनाया है। 23. चीजों के उपभोग से आनंद कभी जन्म नहीं लेता। 24. आज़ादी हमें किसी दूसरे से नहीं मिलती, हमें उसे नित्य अभ्यास से खुद पैदा करना पड़ता है। आपको हर कदम पूरी सजगता से लेने से, हर सांस पूरे बोध से लेने, पूरे बोध से छोड़ने से कोई नहीं रोक सकता। 25. भविष्य का ख्याल रखने का सर्वोत्तम तरीका यह है कि हम अपने वर्तमान का पूरा ख्याल रखें। 26. वर्तमान क्षण को छूते हुए ही हम जान पाते हैं कि वह अतीत का बना है और भविष्य को जन्म दे रहा है। 27. दूसरे लोगों के एक्शन उनके अपने दर्द की वजह से जन्म लेते हैं, आपको तकलीफ पहुंचाने की मंशा से नहीं। 28. हर व्यक्ति अपने में एक पूरी दुनिया है खोजे जाने के लिए। 29. बिना समझ के प्रेम का कोई अर्थ नहीं। 30. प्रेम किए जाने का अर्थ है कि आपके अस्तित्व को अर्थ दिया जा रहा है। वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया।